मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कहुए धनु तीर एवं मुहर शब्द थे बाहरी गले आउ फेरे ना मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता मुहर यह शब्द बाहरी जो कौन सफे कम देनी बरम बयान को नहीं एवं सारा देश में बहुत अणचाश पवन एमपी पूर्वतन मंत्री राजा पटेरिया पीएम मोदी संपर्क में एमती किसी बयान देखते जहाँ सोशियाल मीडिया खूब वायराल हो राजा बयान को नहीं एवं राजनीति तेज संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। राजा पटेरिया परे मोदी को परास्त करिवार कथा कही डैमेज कंट्रोल पाई चाहिचंती या पूर्वर जो शब्द तांको मुहरु बाहरी जाइछि सेहिठी ही कथा अटकिछि चारियाडु चाप पढ़िबा परे से खोद मीडिया आगो को आसी प्रतिक्रिया रखिछंती। गांधी को मानने वाला किसी किस्म की हत्या का पक्षधर कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो 21 साल की उम्र से गांधी के पक्षधर हूँ, नेहरू का पक्षधर हूँ। वीडियो में तो आप कहते हुए देख रहे हैं। उसके बाद का है, जिसने वीडियो बनाया है वो गलत तरीके से बनाया है और उसके आगे शब्द मैंने बोला इसका आशय यह नहीं, इसका आशय है चुनाव में इनको इन शक्तियों को पराजित करो और मैं गांधी के पक्ष में था हूं और रहूंगा। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में ये कहना जो जनता के दलों पर राज करते हैं कि हत्या करनी पड़ेगी, ये भयंकर तम अपराध है। राहुल गांधी जवाब दें, क्या कांग्रेस की यह नीति है कि रणनीति है? पटेरिया को इस सफे मूल्यहीन हो पड़ी बीजेपी यहां गंठी करता बेले सीएम शिवराज सिंह चौहान यह लज्जाजनक बोली मध्यप्रदेश बीजेपी पक्षर पटेरिया विरोध में एतला दि जाता बेले खोद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पटेरिया विरोध में मामला रुजुपाई निर्देश देते। राजा पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। इसी प्रकार के बयान और इसी प्रकार की मानसिकता के कारण कांग्रेस का ये हाल पूरे देश में हो रहा है। मैं इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगने की मांग करता हूँ। कांग्रेस के खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राज्य राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया है? पटेरिया निजक गांधीवादी कही छाड़ी छुड़ी हो चेष्टा करते सत कि बयान पर गांधी परिवार को टार्गेट रे नहीं बीजेपी नेता आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूं। एवं शेष होता गुजरात निर्वाचन में पीएम मोदी विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी मुद्दा राजनीति को बेस गरम करता। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री मोदी औकात देखार कथा कही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी तुलना रावण सह करते तेणु बयान बवाल भितर राजा पटेरिया आउपादे आगे जहाँ संग्राम शीघ्र शेष होगा भाई लगुना। से देशर प्रधानमंत्री संपर्क में यह मंतव्य रखा कौन प्रकार ग्रहणीय नुहे चारिड़े चर्चा। रिपोर्ट, Argus News.